हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। फिर से मेरे चैनल में आप लोग को स्वागत है। और ये आज मैं एक न्यू रेसिपी लेके आई हूँ। ये स्नैक्स है जो कि आपको चाय के साथ खाने में बहुत ही टेस्टी लगेगा, बहुत ही मज़ेदार बनेगा। और ये रेसिपी आप शुरू से लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और देखिए कितनी कुरकुरे बना है ये। और ये हमारा चावल का पकौड़ा है और इसके साथ मैं एक चटनी भी शेयर करने वाली हूँ। देखिए कितने अच्छे से बना है हमारा पकौड़ा, बिल्कुल क्रिस्पी। आशा करती हूँ ये रेसिपी अगर आप लोग को अच्छा लगे, प्लीज़ मेरे चैनल को एक सब्सक्राइब और वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को शुरू से लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ। यहाँ पर मैं अरवा चावल को 4 घंटे के लिए भिगो के रखा था और 4 बॉयल आलू और यहाँ पर कटा हुआ धनिया, हरा मिर्च और प्याज को ले रही हूँ। एक जार में चावल को मैं अच्छे से ग्राइंड कर लूँगी और यहाँ पर थोड़े से ही पानी दे के इसको अच्छे से मैं ग्राइंड कर लूँगी। अरे देखिए, आलू और चावल को अलग अलग से ग्राइंड करना है, एक साथ नहीं ग्राइंड करना है क्योंकि चावल थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लेता है। और ये देखिए, इसको एक फाइन सा पेस्ट बना लेना है और चावल का पेस्ट हमारा रेडी हो चुका है। अब इसको निकाल लेते हैं। ये जो पकौड़ा है ये बेसन का नहीं है, लेकिन ये फिर भी ये बहुत ही टेस्टी बना था। इसको एक बार आप लोग ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट करिएगा कि कैसे बना था। और उसी जार में मैं यहाँ पर आलू को थोड़ा सा कट लगा लूँगी और इसको भी ग्राइंड कर लूँगी। और देखिए आलू को भी मैं यहीं पर ग्राइंड कर लूँगी, थोड़ा सा ही पानी डाल रही हूँ। देखिए हमारा आलू का भी बैटर बन के रेडी हो गया और दोनों बैटर को मैं एक साथ मिला लूँगी। बिल्कुल इसी तरह से कंसिस्टेंसी रखना है बैटर का, ज़्यादा पतला मत कीजिएगा वरना पकौड़े बनाते समय दिक्कत होगी। तो इसी तरह से इसका बैटर तैयार कीजिएगा। तो सारा बैटर को मिला के मैं यहीं पर 5 मिनट के लिए इसको अच्छे से मिला लूँगी और यहीं पर सारे कटे हुए चीज़ को अच्छे से मिला लूँगी। सारे चीज़ों को एक साथ ही मिला देंगे। और यहाँ पर मैं थोड़ा सा नमक ले रही हूँ, आप अपने हिसाब से लीजिएगा। और यहाँ पर जीरा ले रही हूँ लगभग 1 टेबल स्पून और उसके साथ मैं ले रही हूँ थोड़ा सा अजवाइन, आप चाहे तो स्किप भी कर सकते हैं। और प्लीज़ मेरे चैनल को एक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। देखिए मैं सारा चीज़ को एक साथ मिला रही हूँ और इसको ढक के 5 मिनट के आधा घंटे के लिए मैं इसको ढक के छोड़ दूँगी। इस बैटर में कोई सोडा, कोई बेकिंग पाउडर, किसी भी चीज़ का यूज मत कीजिएगा क्योंकि ये ऐसे ही बहुत फूलने वाला है। और ये देखिए मैंने ढक्कन लगा दिया, आधे घंटे के बाद देखिए बैटर हमारा बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब चलते हैं इसकी एक मज़ेदार सा चटनी बनाते हैं जो कि पकौड़े खाते समय बहुत ही मज़ेदार लगेगा, बहुत ही टेस्टी लगेगा। तो इसके लिए मैं यहाँ पर 1 टेबल स्पून सरसों का तेल ली हूँ और 1 टेबल स्पून ले रही हूँ चना दाल, अच्छे से मिला लूँगी। उसके बाद मैं 4 साबुत लाल मिर्च को ले रही हूँ स्पाइसी के लिए। और यहाँ पर मैं 6-7 लहसुन कलियाँ ले रही हूँ और थोड़ा सा मिला के इसमें मैं ले रही हूँ थोड़ा सा जीरा। और यहाँ पर मैं 2 फाइन चॉप किया हुआ टमाटर को मैं भून लूँगी इसके साथ और थोड़ा सा हल्दी नमक भी इसके साथ ऐड कर रही हूँ, नमक एज पर टेस्ट। और यहाँ पर थोड़ी समय इसको चलाऊँगी ताकि टमाटर से थोड़ा सा कच्चापन निकल जाए। तो 2 मिनट के बाद देखिए, और इसमें मैं यहाँ पर 1/2 ग्लास पानी ऐड कर रही हूँ और इसको ढक के 3 मिनट तक इसको छोड़ दूँगी मीडियम फ्लेम में। ये जो चटनी बना था बहुत ही टेस्टी बना था, एक बार आप लोग भी ऐसे ही बनाइएगा। और देखिए 3 मिनट के बाद देखिए हमारा टमाटर बिल्कुल गल चुका है। अब यहीं पर मैं 2 से 3 काजू डाल रही हूँ और चॉप किया हुआ धनिया का पत्ता डाल रही हूँ और इसको 2 मिनट के लिए और ढक के छोड़ दूँगी।
और ये देखिए हमारे चटनी के लिए टमाटर बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब इसको निकाल लेते हैं, ठंडा के लिए छोड़ देते हैं। अब गैस में रिफाइन ऑयल को अच्छे से गर्म करेंगे और एक बैटर थोड़ा सा ही डालेंगे। और देखिए हमारा तेल बिल्कुल गर्म हो चुका है। अभी सारा पकौड़े को हम तल लेंगे, ऐसे ही छोटे छोटे करेंगे तो इस फूल का डबल हो जाएगा। ये थोड़ा चिपक जाता है, आप चाहे तो फ्लैट एक पैन ले लीजिएगा, उसमें पकौड़े तलने में अच्छा होता है। और ये देखिए इसी तरह से बिल्कुल पकौड़े को तलना है और ये बहुत जल्दी बन जाता है। थोड़ा ध्यान से कीजिएगा क्योंकि ये चिपक जाता है। और इस ये देखिए बहुत ही अच्छे से बन के रेडी हो गया है। अब इसको निकाल लेते हैं और दूसरे बैचेस को भी देखिए कितने अच्छे से बना है हमारा पकौड़ा। और ये बहुत हेल्दी भी है क्योंकि ये चावल का बना है, कोई मैदा बेसन कोई चीज़ का नहीं है, चावल का बना है, कोई भी खा सकता है। बिल्कुल इसी तरह से सारे पकौड़े को हमको तल लेना है। देखिए कितने अच्छे से बन के रेडी हो रहा है। और प्लीज़ आप लोग एक बार इसे ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट के थ्रू ज़रूर बताइएगा। और कोई भी चीज़ आप लोगों को देखना हो तो मुझे कमेंट के थ्रू ज़रूर बताइएगा। और प्लीज़ मेरे चैनल को एक सब्सक्राइब कीजिए ताकि मुझे मोटिवेशन मिल सके ऐसे ही नए नए वीडियो बनाने के लिए। और प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि कोई भी मैं वीडियो बनाऊँ सबसे पहले आपके पास जाए। और ये देखिए हमारा सारा पकौड़े बन के रेडी हो गया है और बिल्कुल भी झटपट बन जाता है। कितने अच्छे से बना है देखिए, थोड़े से चावल में ही बहुत सारा बन जाता है, बहुत क्रिस्पी भी बना है। देख सकते हैं इस टाइप का पकौड़ा खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है, थोड़ा सा दरदरा सा। देखिए ये बिल्कुल रेडी हो चुका है और अब ये चटनी हमारा ठंडा हो चुका है। अब इसको हम ग्राइंडर जार में निकाल लेते हैं और इसको पीस लेते हैं। देखिए अब इसको हम पीस लेंगे। ये हमारा चटनी बनके रेडी हो गया, अब इसको सर्व कर लेते हैं। और मेरे वीडियो को देखने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही देखते रहिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। थैंक यू। प्लीज़ एक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।